यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे बच्चे ने, सारे गुलवन भाई के फैंस है ये। फैंस हो भाई इनके? यस। इतने सारे फैंस मिल गए यहाँ पर इनके। सत श्री अकाल जी सारे की हाल चाल, मैं थोड़ा अपना सागर सिंह गुलवान और आज हम लोग आए हुए हैं जॉय गांव पिकनिक पार्क के अंदर, जहां पर 83+ एडवेंचर एक्टिविटीज होने वाली है और खाने पीने को बहुत कुछ मिलने वाला है यहां पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं पिकनिक मनाने के लिए स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पर और हम लोग भी यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं। यहीं पे यहाँ की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो पड़ेगी आप लोगों को विलेज कबलाना जज्जर बहादुरगढ़ रोड पे पड़ने वाली है। आप अगर आ रहे हैं तो अपने ही कन्वेंस से यहाँ पर आए, जैसे कि हम लोग अपनी बाइक से आए। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है और क्या क्या खाने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे टिकट प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली सेगमेंट वैलिड टाइल 31/10/2022। तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप 10 साल से ऊपर के हैं तो आप लोगों के 1200 पर हेड है, जो कि डिस्काउंट के बाद आप लोगों को 1080 का पड़ रहा है। और यहाँ पे आप लोग 5 से 10 साल से ऊपर में तो छोटे हैं तो आप लोगों का 650 पर हेड लगेगा, और जो कि अभी आपको 585 का पड़ रहा है। तो आप लोग सीनियर सिटीजन का देख सकते हैं जो कि 1000 रुपये पर हेड पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आप लोगों को 900 रुपये का पड़ने वाला है। तो कुछ इस तरीके के टिकट्स हैं और उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। अंदर जाने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ से होने वाली एंट्री और यहीं पर ही आप लोगों का स्वागत होगा और ये जो है टीकाकरण वगैरह करते हैं, टीका लगाते हैं और उसके बाद में अंदर भेजते हैं। और यहाँ पर दो स्टैचूज़ लगाए हुए हैं आपके स्वागत के लिए, जो कि फूल लेके खड़े हुए हैं। देखो भाई ये हाथ जोड़ के खड़ा है। तो अभी हम लोग जॉय गांव पिकनिक पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं और पीछे में देख सकते हैं आप लोग ब्रेकफास्ट हॉल है और इसके अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं और ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है वो दिखाते हैं आप लोगों को। जल्दी चलते हैं भाई, फटाफट भाग के चलो, भाग के। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे पूरी सब्जी वगैरह होती है और बाहर भी बहुत सारे आइटम हैं जो कि आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या मिलता है खाने को। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही आप लोग अंदर से बाहर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ काउंटर्स लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और कुछ स्नैक्स लगाए हुए हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं क्या चीज़ है ये देख सकते हैं आप लोग, जो दिवाली वगैरह पे तलते हो ना वो वाले चिप्स हैं। और यहीं पे ही आप लोगों के फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे देखो, और फिर आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग जलेबी, तो यहाँ पर जलेबी मिलने वाली है आप लोगों को। और तो साथ में यहाँ पर चाय मिल जाती है, देख सकते हो चाय का काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पर चाय मिलने वाली है आप लोगों को। और यहाँ पर पूछ लेते हैं क्या है, यहाँ पर सिकंदी और जलजीरा मिलने वाला है, ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये देख लो भाई सिकंदी और जलजीरा। अभी हम लोग आगे जाएंगे, ये देख सकते हैं गाजर मूली भी मिल जाएगी मसाले लगा के, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे सैलेड में गाजर मूली भी मिल जाती है। और आगे हम लोग जैसे ही जाएंगे ना तो बच्चों की चहेती जो चीज़ होती है पॉपकॉर्न, वो भी मिलने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न मिलने वाले हैं, कुछ इस तरह के पैकेट होते हैं, आप अनलिमिटेड खा सकते हो जितना आपका मन करे, जितना आपका मन करे उतना अनलिमिटेड खा सकते हो आप लोग। आप लोगों को कोई भी मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने इनके लिए। और ब्रेकफास्ट मतलब इतना हैवी होने वाला है ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा और मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। और यहीं पे ही आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ा सा एक पार्क है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती होने वाली है, जिप लाइन वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, वो भी आप लोग दिखाने वाले हैं। और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, ये देख सकते हो
यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ है, तो चलते हैं एक्टिविटी एरिया की तरफ और वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई अभी अपने यहाँ पे चाय और फ्रेंच फ्राइज आ चुके हैं, ये रखे हुए हैं और अभी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तरुण भाई साथ में आए, तरुण भाई भी एंजॉय करेंगे, भाई खाएंगे और पता चलेगा कि कैसे हैं। और दूसरी बात, अभी हमने अंदर पूड़ी और सब्जी खाई थी, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट थी, ऐसे लग रहा था ब्रेकफास्ट का बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ब्रेकफास्ट में आप लोग खा सकते हो, तो अभी हम लोग ये एंजॉय करेंगे, देखते हैं लंच में क्या होगा। हाँ, और फिर जलेबी वगैरह भी यहाँ एंजॉय करने नहीं है, खाने आए हैं, खाएंगे भाई दबा के, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो भाई किस तरीके से लाइन लगी हुई है, पूरे डिसिप्लिन में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और टीचर्स भी साथ में आए हुए हैं तो पिकनिक मनाने के लिए। तो ये देखो भाई बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नज़र घुमाएंगे ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से दिखा के और सीधा चलते हैं फिर बड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के पास। तो यार छोटे छोटे से बच्चे मिले हमें और कह रहे भाई हमें भी वीडियो में लो, तो सभी अपना अपना नाम बताएंगे। क्या नाम बेटा? तेरा? और तेरा? तो इन सबको वीडियो में ले लिया है और ये वाला शॉट हम डालेंगे, तुम भी देखना वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ सामने मिरर मेज और इसके अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं, मिरर मेज के अंदर क्या देखने को मिलता है देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ से एंट्री करी है, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे से बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, तो ये देखो खो गए बच्चे। ओ भूत आ गया, भूत आ गया। यहाँ तो भाई ऐसे लग रहा है इधर भी रास्ता है, लेकिन ऐसा रास्ता है नहीं इधर। अभी हम लोग जला लेते हैं अपने फोन की फ्लैश लाइट, वरना क्लियरिटी नहीं आएगी वीडियो में। चलो भाई चलो चलो फ्लैश लाइट ऑन कर लिए क्योंकि अंधेरा काफी हो रहा है यहाँ पर। चलते रहो, खो गए आता हूँ, आ जाओ। ऐसा लग रहा है सामने बच्चे आ गए, खो गए खो गए। ये देखो भाई बच्चे, चलो चलो चलो, कहाँ आ गए हम? चलो 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 आगे, रास्ता निकल आगे, चलो 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 आगे निकलो, चलो 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 बाहर निकल जाएंगे। पता नहीं चल रहा है अरे रास्ता कहाँ है। अरे भैया खो गए हम, बच्चों खो गए हो, भूत बन के डराएंगे बच्चों को हम। बच्चे भाग गए, अबे कहाँ चले गए वो, कहाँ गए बच्चे, वो कहाँ गए बच्चे, सीसे में घुस गया था वो, अबे अबे सीसे में कहाँ हो गए मैं, अबे अबे भाई वो बच्चे कहाँ गए। आ जा आ जा, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ। भाई यहाँ तो कोई भी, ये बच्ची दिख रही है सामने, कहाँ है? सीसे में, वो इधर से आ, वो कहाँ है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो एक्टिविटीज है 70 मूवी के पेड एक्टिविटीज है, और भैया बताएंगे कि क्या क्या मूवी में मिलेगा आप लोगों को, बताएंगे क्या। एक्चुअली क्या है हमारे पास, हॉन्टेड हाउस एंड ड्रैकुला, हॉन्टेड हेल हाउस, रॉबिन वुड मैजिक सोडा, मैजिक सोडा रोमांटिक मूवी होती है हमारे पास, रॉबिन वुड रोमांटिक मूवी, हाँ जो बच्चों के अकॉर्डिंग रॉबिन वुड, और लॉयन किंग कार्टून टाइप मूवी है जिसमें छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सारे एंजॉय करते हैं। अच्छा, फैमिली स्टेटमेंट में हमारे पास ड्रैकुला, ड्रैकुला सबके लिए है यहाँ पर, हाँ जी सबके लिए है यहाँ पे, ये बात है जी, 70 में सबको मिलेगा एंजॉय, हाँ जी सबको एंजॉय मिलेगा। थैंक यू भैया, वेलकम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 70 मूवी थिएटर के अंदर, जहाँ पर कि ऑटोमेटिक चेयर्स हैं और 70 तरीके से जैसे जैसे मोशंस होते हैं ऐसे ऐसे ये हिलती भी है, वाइब्रेट भी करती है। तो अभी हम लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले, क्यों तरुण भाई? मजा आएगा भाई। हाँ, तो तरुण ऐसा लगता है रियल में हो रहा है सब कुछ, सब कुछ रियल में हो रहा है ऐसे लगता है। तो चलो एंजॉय करते हैं और फिर आप लोग एक्सपीरियंस देते हैं।
तो अभी हमें 70 ग्लासेस मिल चुके हैं, देखो कैसे लग रहा हूँ मैं मुकेम्बो की तरह। अभी इनको पहन के ही हम लोग मूवी देखने वाले हैं। और तरुण भाई कैसे लग रहे हो? बढ़िया आ रहा है, चप्पलू लग रहे हो, चप्पलू। चलो शुरू होने वाली है मूवी, देखते हैं। तो भाई 70 एक्टिविटी करके बहुत ज्यादा मजा आया, ऐसे लग रहा था जैसे कि कुर्सी हमारी गिरी जा रही है ना। बिल्कुल भाई, बहुत मजा। दो तीन बार तो मेरे हाथ में बैग था, कैमरा था, तो ऐसे लग रहा था मेरा तो फोन गिर गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सेफ है, मजा आता है भाई। आप भी एंजॉय करना अगर यहाँ पे आते हो तो। ये देखो लड़के आए छोटे छोटे से। हेलो, एक एक्टिविटी है डॉट, और डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, और आप लोग अगर इसमें निशाना मारते हो तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आप लोग एंजॉय कर सकते हो। यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट दिया हुआ है जो कि पुराने ज़माने का चेतक स्कूटर किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग फोटो वगैरह खींच सकते हो, और यहाँ पे गन शूटिंग है, तो गन शूटिंग चल रही है। देखो कितने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए गन शूटिंग करने के लिए, देखते हैं निशाना लगता है या नहीं। हमारे हाथ में अब भाई धनुष आ चुका है, हमारे हाथ में हम आर्चरी करने वाले हैं, मारते हैं। ओ चलो बेटा, चलो थैंक यू। तो भाई लग गया हमारा धनुष मस्त जगह पे, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, और आप लोग भी इन्जॉय करोगे अगर यहाँ पे आते हो तो। मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ, और आएँ तो अपने बच्चों को भी लेके आएँ, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं और खूब इन्जॉय कर पाएंगे यहाँ पर। तो अभी आप लोग सामने देख रहे हो यहाँ पे डीजे फ्लोर है, और सामने मेंशन भी किया हुआ है, लिखा हुआ है, और डीजे फ्लोर में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पे फुल टू फुल डीजे लगा हुआ है, और बच्चे लोग डांस कर रहे हैं देख सकते हो। और यहाँ पे सिटिंग्स बनाई हुई हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं सारे लोग, और उसके बाद बीच में वहाँ पर डांस भी हो सकता है, और बच्चे कर भी रहे हैं डांस, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, ये देख सकते हो आप लोग, ये बॉल है, इस बॉल को वहाँ से इसमें डाला जाएगा। भैया डाल के दिखाइए एक बार। तो ये देख सकते हो आप लोग, वहाँ पे छेद दिए हुए हैं, ये भैया डालेंगे। ये देखो भाई, भैया से भी नहीं डाली, लेकिन इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी गेम है। और यहाँ पर एक और गेम है, भैया ये कैसे है इसके बारे में बताना थोड़ा। ये देख सकते हो इसको चिपकाना होता है, ओके ओके। तो यहाँ पे पॉइंट होता है, टारगेट बताया जाता है, क्या चीज़ आपका फ्रेंड सर्कल बताता है, 6 पे ठीक है, तो आपका फ्रेंड सर्कल बताएगा 6 पे लगाना, 10 पे लगाना, 8 पे लगाना, या फिर सेंटर में अपने आप लगा लो। तो भैया एक बार फेंको, देखते हैं आपका निशाना क्या है। क्या बात है, देखो भैया ने बिल्कुल सेंटर में लगाया, ये देख सकते हो आप लोग बिल्कुल सेंटर में। क्या बात है भैया, क्या बात है, आप तो ट्रेंड हो यार। बहुत बढ़िया। ये देखो भाई बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, बढ़िया वाली, और टायर के अंदर से जा रहे हैं जैसे कमांडो नहीं जाते उस तरीके से। देखो अब ये पूरा निकल के आएगा यहाँ से वहाँ तक। देख सकते हो पूरा का पूरा रोप कोर्स है ये, और रोप कोर्स देखो भाई कितना लंबा है, यहाँ से लेके वहाँ तक का रोप कोर्स, और इसके अंदर ही मतलब कि आप लोग एंजॉय कर सकते हो। बहुत ध्यान से जा रहे हैं बच्चे, दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ये देखो, मज़ा आ रहा है। वो घबराया हुआ जवाब ही नहीं दे रहा। ये देखो भाई, तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये रिक्शा खड़ा किया हुआ है, और इसको काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है, और इस पर आप लोग फोटो शूट वगैरह करवा सकते हैं जैसे कि बच्चे करवा रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोटो शूट चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जॉय गांव में, जो असली जॉय गांव है, ये देख सकते हो पीछे में बोर्ड लगा हुआ है, जॉय गांव में आपका स्वागत है। तो जॉय गांव के अंदर हम लोग एंट्री करने वाले हैं, और ये दिखाते हैं आप लोगों को क्या कुछ है यहाँ पर। तो देख सकते हैं स्ट्रीट विलेज, और स्ट्रीट विलेज के अंदर जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे सबसे पहले यहाँ पे गांव का नज़ारा सा मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे पानी लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि असली में ही हम लोग गांव में आ चुके हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी ब्रांडिंग की हुई है जॉय गांव की, और यहीं पर ही हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जादूगर का स्टॉल लगा हुआ है, जादूगर के दिखा रहा है, और उसके बाद में वहाँ पर पोइट्री है जिसमें कि कुम्हार गमले वगैरह बना के दिखाता है, और यहीं पर ही आप लोगों की कैमल राइड भी आती है जो कि ऊँट की राइड होती है,
वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये गांव। आप लोगों को एक मिनी ज़ू भी मिल जाएगा। मिनी ज़ू के अंदर काफ़ी सारे मतलब कि जानवर रखे हुए हैं। एक बंदर है जिसका कि हाथ कटा हुआ है, ये देख सकते हो, ये एक बंदर है, इसका हाथ कटा हुआ है। इसको अंदर में रखा हुआ है ताकि ये सेफ़ रहे। और यहाँ पर कुछ कबूतर होते हैं जो कि अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं सामने में, ये देख सकते हो। हेलो, कैसे हो बेटा, ठीक हो? ये क्या आपने बनाया? ये मेरा गुलवान ब्रदर नाम से चैनल है, गुलवान ब्रदर्स, गुलवान ब्रदर्स। हाँ, व्लॉग कर रहा हूँ। तू भी आ गया व्लॉग में? ये भी व्लॉग में आ गई है, देखो ये भी व्लॉग में आ गई है। हेलो कर दो सारे, हेलो। तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। तुमने खाना वाना कैसा लगा यहाँ का? बहुत मज़ेदार। तो काफ़ी मज़े कर रहे हैं बच्चे। ये भाई मिला है और इसका एक चैनल है प्रधानमंत्री गेमिंग, तो भाई का जाके सब्सक्राइब करो। क्या नाम है? आरव। क्या बोला? आरव घई, आरव, आरव घई स्काई, इसके भाई के चैनल का नाम है। तो इसका भी जाके सब्सक्राइब करो। और प्रधानमंत्री गेमिंग, सबको बताए स्पेलिंग, टेंशन ना ले, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना दोनों का चैनल। तो ये भाई भी आ चुका है वीडियो में, देख लो। क्या नाम है तेरा? दीपक नाम है, दीपक छाबड़ा। चल भाई, थैंक यू। तो जॉय गांव में कुआं भी है भाई, कुएं के पास चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखो बच्चे पानी खींच रहे हैं। तो कुआं देखो भाई काफ़ी गहरा है और इस लड़की ने बाल्टी खींच ली है। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, मटकी फोड़, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग मटकी फोड़ भी खेल सकते हो। आँखों पे पट्टी बांधते हो? तो भाई ने ये पट्टी ले रखी है, आँखों पे बांधते हैं और ये पट्टी, आँखों पे पट्टी ले रखी है और ये पट्टी बांधने के बाद में वहाँ पे जाएंगे और मटकी को तोड़ेंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा, देखते हैं भाई कैसे तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। ये भाई जा चुके हैं, ये ओए बच गया। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, ऊपर ऊपर, अरे पीछे पीछे, पीछे पीछे पीछे, ओए पट्टी हटा के मार रहा, ओए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन की राइड करने वाले हैं। काफ़ी लंबी ट्रेन की राइड है, गोल घूम के आएगी। तो यहाँ पे जा रहे हैं और अभी राइड करते हैं, चलो भाई। तो भाई ट्रेन चल चुकी है हमारी, ओ मजा आ रहा है। ओ तरुण भाई है क्या? ओहो लटक लटक के, झटक झटक के चल गई ट्रेन, चल गई, ओए वो चल गई, ओए मजा आ रहा, ओए ओहो। देखो पूरी ट्रेन देखो पीछे, कैसे मजा आ रहा भाई, बहुत ज्यादा। कभी ऐसे लटक के गए हो ट्रेन में? नहीं गए ना, आज मेरे साथ चलो भाई। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। वो हो चलो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेहंदी वगैरह लग रही है, तो सारे जो लेडीज़ होती हैं मेहंदी वगैरह लगवा रहे हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मड बाथ और ट्यूबवेल बाथ है, वो यहाँ पर है। तो मड बाथ ये रहा, मड बाथ में कोई भी नहीं कर रहा अभी, क्योंकि स्कूल के बच्चे आए हुए हैं तो मड बाथ कोई भी करना पसंद नहीं करता। और वहाँ पर है ट्यूबवेल बाथ, वो देख सकते हो। ट्यूबवेल बाथ को बच्चे काफ़ी ज़्यादा मज़े से कर रहे हैं और ये देखो भाई लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तो काफ़ी मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे पोइट्री देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कुमार बैठा हुआ है और पोइट्री में क्या बना रहे बच्चे देखते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पोइट्री में बन रहा है दिया। क्या बना रहे हो भैया? है मटकी बना रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये कठपुतली का डांस हो चुका है चालू और कहते हैं ठुमक ठुमक के नाच रही है कठपुतली, वाओ मजा आ रहा है। ये देखो भाई अपनी मुंडी को उठा लिया इसने पैरों में, ये फुट गया। तो यही पर हो रही है चंपी और मालिश, ये देख सकते हैं आप लोग। चंपी और मालिश, चंपी और मालिश भी करवा सकते हो। और भैया ने पूरी की पूरी मशीन लगाई हुई है, ये देखो भाई पूरी की पूरी
मशीन लगाई हुई है, मशीन से आप लोग करवा सकते हो मसाज। और यहीं पे कुछ पुराने जमाने के क्या बोलते हैं इनको, बैलगाड़ी वगैरह जो है वो खड़ी करी हुई है, आप लोग इन पे फोटोशूट करवा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। बाकी यहाँ पे कोलंबस राइड है, देखो बच्चे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड लगा हुआ है, ये देख सकते हो पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक है यहाँ पे। और आज का दिन बहुत अच्छा था हमारा कि आज के दिन हम लोग यहाँ पे आए और काफ़ी सारे बच्चे से मुलाकात हुई, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बढ़िया मज़ेदार है, खूब बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्टर राइड भी मिलने वाली है, ट्रैक्टर राइड भी आप लोग यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ट्रैक्टर राइड है, यहाँ से आप लोग घुमा के पूरा पूरा झुला के फिर यहीं पर आप लोग वापस छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ATV राइड भी कर सकते हो, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होती है ATV राइड, ATV राइड चलने वाली है। सामने दिखा हुआ है वे टू जिपलाइन और अभी हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं और जिपलाइन दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से स्टेयर्स दी हुई हैं जिपलाइन में जाने के लिए और अभी हम लोग भागते भागते चढ़ रहे हैं जिपलाइन पे, काफ़ी ज़्यादा ऊंची होने वाली है जिपलाइन, तो मज़ा आएगा। और तरुण भाई को करवाएंगे जिपलाइन यार, है तरुण भाई, मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। हो चुकी है, ये भाई जिपलाइन कर रहे हैं, ये देखो भाई क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा है। तो भाई ये जो पीछे मेरे जिप लाइन देख रहे हो, जिप लाइन के 100 रुपीज़ अलग से लगने वाले हैं, ये आप लोग की टिकट में इंक्लूड नहीं होगी, इसके आप लोगों को 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग जिप लाइन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कर रखे हैं, देखो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं खाना, इनसे पूछते हैं खाना कैसा है, मज़ा आ रहा है ना, तो मज़ा आ रहा है खाने में बहुत, तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और वहाँ चल के बताते हैं कि आखिर खाने में है क्या क्या। तो खाने की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ प्लेट्स मिल जाएंगी, चम्मच मिल जाएंगे, ये तो कंपलसरी होते ही होते हैं, और साथ में यहाँ पे मिल जाते हैं नूडल्स, कौन से वाले नूडल्स हैं ये, सिंगापुरी चौमिन है, और यहाँ पे आप लोगों की क्या ये भिंडी मसाला मिल जाएगा, और यहाँ पे शाही पनीर मिल जाएगी, ये क्या है दाल मखनी मिल जाएगी, है राजमा मिल जाएगा, राजमा के साथ साथ कढ़ी पकौड़ा मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को लंच में, और यहाँ पे चावल मिल जाएंगे बढ़िया वाले, और यहाँ पे रोटियाँ मिल जाएंगी, बाकी यहाँ पे पानी है, और साथ में लस्सी मिल जाएगी, सॉरी रायता मिल जाएगा, ठंडा रायता है बिल्कुल, और यहाँ पे आप लोगों को गुलाब जामुन भी मिलने वाले हैं खाने के लिए। तो अभी हम लोग रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा एक रूम है, और आप अगर यहाँ पर आकर ठहरना चाहते हैं, जय गाँव पिकनिक पार्क के अंदर ठहरना चाहते हैं, तो इस रूम के चार्जेस क्या लगने वाले हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं जय गाँव पिकनिक पार्क के रूम के अंदर, जो कि रूम फैसिलिटी भी है यहाँ पर, और अगर आप लोग यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो आप लोगों का कितना खर्चा आने वाला है और क्या कुछ पैसे लगेंगे आप लोगों के और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, सबसे पहले आप लोगों को रूम टूर दे देते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने लगा हुआ है TV और TV के रिमोट वगैरह यहाँ पर है, फुली एयर कंडीशनर है, और यहाँ पे एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर फ़ोन लगा हुआ है जैसा कि हर होटल में लगा होता है, और बाकी जो है यहाँ पर गद्दा वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर के लिए मैं लेटा हुआ था यहीं पर ही, आराम कर रहे थे तरुण भाई और मैं, तो काफ़ी अच्छा था रूम, और रूम के अंदर आप लोगों को फैसिलिटी सारी मिलती हैं जो कि नॉर्मल रूम के अंदर में मिलती हैं। और यहाँ के जो यहाँ जो सबसे बड़ी यहाँ की चीज़ है वो ये है, यहाँ का व्यू जो है ना, हाँ खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, तो अभी व्यू भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर रूम लेते हैं तो आप लोगों को 2600 रुपये पर हेड के लगेंगे, अगर आप कपल में आते हैं कपल के 5200 रुपये लगने वाले हैं, उसके अंदर ही सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे कि आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, 24 घंटे के लिए आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और नाइट में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, DJ नाइट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग यहाँ पे रुकोगे ना तो आप लोगों को पता चला। बाकी आप लोगों को व्यू दिखाते हैं कि कैसा व्यू आता है यहाँ से, ये देखो भाई यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आता है, और यहाँ पर आप सामने में देखेंगे ना यहाँ से सारे के सारे खेत नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है, और आप लोग अगर
ऊपर वाला रूम लेते तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। बाकी यहाँ का जो पार्क है वो पूरा का पूरा नज़र आता है यहाँ से, कुछ इस तरीके का यहाँ का जो है बालकनी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। अभी यहाँ पे साउंड आ रहा है, अभी हम इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी साउंड वगैरह नहीं है, शांति से आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी ये अलमीरा दी हुई है, इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। तो ये लॉक करी हुई है, शायद इनका कोई सामान रखा हुआ होगा। बाकी आप लोगों को अंदर दिखा देते हैं वॉशरूम किस तरीके का है। ये देख सकते हैं ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, साबुन वगैरह, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, अगर आप लोग यहाँ ठहरते हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। तो ये था कुछ रूम टूर यहाँ का और आप लोगों को मैंने सारी डिटेल दे दी है। अगर आप लोग रूम लेना चाहते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं वो आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए तो आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं बिगर टेंशन के। तो चलो भाई, तो यहीं पर ही आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ और आने वाली हैं, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून, जिसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून बहुत ही कम एडवेंचर पार्क्स के अंदर होता है, तो जो कि आप लोगों को जयगांव पिकनिक पार्क में मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होगा आप लोगों का यहाँ का टूर अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, स्टे करते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं, आउटिंग करने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप लोगों को हमने पूरी वीडियो दे दी है, आप लोगों को यहाँ का फूड बता दिया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियरली बता दी हैं। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।